तेरी माँ को मैंने मारा है। जा अपनी माँ के पास जा। कहाँ रहती है तेरी माँ? दिल में। तो फिर गोली दिल में ही लग। जा अपनी माँ के पास जा। तेरी माँ रहती है वही गोली मार। जा, जा, जा। देखा देवी माँ ने तुझे खुद यहाँ बुलाया। ले आरती ले। कौन है तू? इससे मिलना है? आपसे? मुझसे? मैं जानती हूँ तुम्हें। मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। ओ अनन्या, यू आर हियर। थैंक गॉड तुम आ गए। दादी आपको याद है मेरी फ्रेंड अनन्या जिससे मैंने आपकी फोन पे बात करवाई थी? तो तुम हो अनन्या, तो पहले क्यों नहीं बताया? कौन से घर से हो तुम? बड़ों के पैर छूना नहीं सिखाना? जंगल में जिंदा रहने के लिए ताकतवर के सामने झुकना ही पड़ता है, अपनी राख रगड़नी पड़ती है। जीती जाओ जी। हर काम में तुम्हें कामयाबी मिली, तो तुम हमारे एरिया की दोस्त हो, तो पहले ये क्यों कहा कि मुझसे मिलने आई है? अरे सर, सर सुनिए तो सही। सर एक सेकंड रुकिए तो सही, ये छोटा सा टीका लगाने के लिए तो बोला है। डीडी क्या नॉनसेंस है,
नहीं नहीं सर, वो क्या है ना कि माता जी ने कहा है कि छोटा सा ही सही, लेकिन एक काला टीका तो लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपको नजर लग जाएगी सर। दीदी मानेगा नहीं, मार से डर लगता है साहब। नजर को तो पता नहीं, पर ये फैंसी ड्रेस देख के लोग घूरने जरूर वाले मुझे। इतने अच्छे लग रहे हो आप, ये अब आपको नजर नहीं लगेगी। देखो तो मेरे बेटे को कितना सुंदर लग रहा है, इधर देख, बस नजर ना लगे मेरे टिल्लू को। नहीं नहीं माता जी, इन्हें तो नजर लग ही नहीं सकती क्योंकि मैंने इन्हें काला टीका जो लगा दिया आपके कहने पर। अरे वाह दखल दयाल जी, आपने तो। नहीं नहीं माता जी, दीदी दीदी। हाँ दीदी, जो भी है पहली बार ना तूने अच्छा काम किया है जिंदगी में, जो ना 5 स्टार दूंगी मैं। अभी सैंडविच यहाँ पे खाते हुए क्यों आ गए? मुझसे कुछ मत बोल बेटा, जो बोलना है अपनी मम्मी जी को बोल। हा? मैं तुम्हारी मम्मी को सुबह से कह रहा हूँ, श्वेता जी मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, मुझे ब्रेकफास्ट दे दो, लेकिन उन्हें मेकअप से फुर्सत मिले तब ना। और जब एक्चुअल में टेबल पे बैठ के मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो ये बोली कि चलो चलो देर हो रही है। अब भाई मैं टेबल उठा के तो ला नहीं सकता था, तो मैं ब्रेकफास्ट भी उठा लाया। टिल्लू टिल्लू तू जानता है ना अपने पापा को, हमेशा खाते रहते हैं, खाने के अलावा इन्हें और कुछ नहीं सोचता। ओए मिस्टर खाओ खन्ना, जाके हाथ धोइए मुंह धोइए क्योंकि हमें निकलना है यहाँ से, जाओ। मेरा कमाल करते हैं। एंड मॉम, आज आप मुझसे एक प्रॉमिस करिए। क्या? कि आज के बाद से कभी भी मुझे बाहर कहीं आप टिल्लू नहीं बुलाएंगे। सॉरी सर। और एक बात और, आपकी खुशी के लिए मैंने ये ड्रेस पहन तो लिया, आपको सच बताऊं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है सीरियसली। तो तू भी मेरी एक बात सीरियसली सुन, टिल्लू टिल्लू तो मैं तुझे कह के रहूंगी, और रही बात कपड़ों की, इतने महंगे हैं, एक दिन तो तू पहन ही सकता है ना, अब थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ेगी ना ऑफशोर करने के लिए। ऑफशोर? हां नो मॉम, शो ऑफ। जो भी है शो ऑफ है ऑफशोर है जो कुछ भी है, लेकिन ये ना 85,000 रुपए की है। मैंने तेरे पापा को बताया कि सिर्फ 50,000 रुपए की, अगर उन्हें पता चलेगा ना टिल्लू तो उनको डबल हार्ट अटैक आ जाएगा, पता है? क्या? आ, ओ, ये ड्रेस 85,000 की? श्वेता जी। हाँ जी। आपने तो डबल हार्ट अटैक देने का इंतजाम कर दिया है। 85,000 का इसमें है क्या? है गर्दन से लेकर पैरों तक एक कलर की है, इसमें हीरे जड़े? हीरे? अरे हीरा तो हमारा बेटा है जिसकी सगाई हो रही है, और सगाई ना जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। आप भी ना, आपको बेटा नहीं नजर आ रहा, अपना बटुआ नजर आ रहा है। बटुआ? मेरा बटुआ किधर गया? मैं टेबल में छोड़ के आए होंगे। हाँ यू आर राइट, एक्चुअली मैं टेबल पे ही छोड़ दिया था। श्वेता जी आप मेरी एक बात सुन लीजिएगा। हाँ जी। संभल के खर्च कीजिए, ये पैसा अपना ही है। प्रकाश जी मैं भी आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाह रही हूँ कि ये बेटा ना वो भी अपना ही है जिसकी सगाई हो रही है, आप भी ना कंजूस है बिल्कुल। देखा आपकी आंटी, मैं कोई भी डिस्कशन करता हूँ ये नाराज हो जाती है। श्वेता जी देखो भाई, मैं चाहे जितनी भी कंजूसी करूँ, लेकिन आप अपनी मुस्कुराहट में कंजूसी मत किया करो। देखो हंसी हंसी तो फंसी है। अरे भाई चलो यार, सारा टाइम यही हंसने में गुजार दोगे, आज सेलिब्रेशन का दिन है, चलो। अच्छा हमें भी पता है, चलो चलो। अरे माँ नहीं, इनको ना खाने की सुस्ती है, इसने किचन की तरफ जा रहे हैं, चलो।